लोहानगरी जमशेदपुर में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से बदमाशों ने जमशेदपुर पुलिस को चुनौती दी है। अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम मुर्दा मैदान में निर्माणाधीन भवन में काम कर रहे मोहम्मद शाहिद पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में एक गोली शाहिद के सिर पर लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग और वहां काम कर रहे लोगों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। इसके बाद चिकित्सकों ने शाहिद की गंभीर स्थिति को देखते हुए टीएमएच रेफर कर दिया है। हमको बोला ऊपर जाके लाइट चेक करने के लिए, कौन सा फ्लोर का लाइट बंद हो रहा है, तो ऊपर हम गए चेक करने के लिए। तो वो एमसीबी गिरा था तो उसको ऊपर आवाज दे तो मशीन चला तो आवाज नहीं आ रहा। फिर मैं इसको कॉल किया तो ये फोन नहीं उठा रहा। तो फोन उठाया फिर बोलता है कि हमको कोई गोली मारे, तो आके देखे तो सीढ़ी के पास गिरा हुआ था। फिर हम भाई को कॉल करे तो फिर भाई आए नहीं पता। हम लोग काम कर रहे थे सुबह से, हम लोग तो काम है। हाँ, हम ऊपर जाके लाइन चेक कर रहे थे, आवाज दे तो कोई आवाज नहीं सुना, तो फिर इसको हम बोले। हाँ, एक लड़का को गोली लगी है अभी, मतलब उसका जो यहाँ देखे तो गोली उसकी निकल गई है। आजाद नगर से बड़ा हुआ, अभी जानकारी यही मिली है कि ये इलेक्ट्रिशियन है और वहाँ पे ये काम कर रहा था। कोई अमर नाम का लड़के की बात आ रही है, हम लोग प्रॉपर वेरीफाई कर रहे हैं। अभी हमको उसको देखना जरूरी है और उसको पकड़ना। हम नहीं कुछ डिटेल ले पाए क्योंकि अभी उसको लेके हमको रश करना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।